तो भाई लो, अगर आपके पास भी MSI का मदरबोर्ड है और आपने भाई नए नए फैंस इंस्टॉल किए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फैंस हैं, बट ये अपनी मर्जी से बहुत बढ़िया फैंस है हमारे पास। यहाँ पर CF120+ वाले फैन है, तो एक बिल्कुल लेटेस्ट है, बट भाई ये अपनी मर्जी से जल रहे हैं, अपनी मर्जी से बंद हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, बट मैं अपनी मर्जी के हिसाब से अभी इनको कैसे जो कलर देना चाहूं वो दे सकता हूं, तो वो चीज बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने MSI मदरबोर्ड को जो RGB और ARGB सिंक होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको मैं पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम है भूमिक यूट्यूब, तो भाई बहुत दिन से कह रहे हैं वो, तो उनकी वजह से आप सबको भी, जो भी आप सब जो भी यूट्यूब पर सर्च करके आए हो, तो उनकी वजह से आपको भी ये वीडियो इतनी जल्दी मिल रही है। अदरवाइज मैं थोड़ी देर बाद डाली थी, बट भाई उन्होंने इतना कहा है तो अपने सब्सक्राइबर्स को मैं मना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बस जल्दी से आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसका फायदा क्या होता है, जैसे कि ये एक ARGB फैंस है, ARGB एड्रेसेबल RGB फैंस है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपने मदरबोर्ड के साथ इनको सिंक कर सकते हो। तो बहुत से आपको उसमें इनबिल्ट आपको मिल जाते हैं फीचर्स, और इनबिल्ट आपको मिल जाते हैं पैटर्न, अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिनमें आप इनको सिंगल कलर पे चला सकते हो, और जो इनके इनबिल्ट जो पैटर्न है MSI की तरफ से वो सभी के सभी मिल जाते हैं। तो कौन कौन से मिलते हैं, तो आइए चलिए जल्दी से हम अपने पीसी स्क्रीन पर देखते हैं। बट वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे जुड़ी भाई पीसी बिल्ड से जुड़ी अभी बहुत सी वीडियोज हैं जो आपके लिए काम आने वाली हैं। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है पीसी बिल्ड में और हमारी ब्लॉगिंग वीडियोज में, तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा। साथ में भाई ये टेबल की प्रॉपर फुल वीडियो बन रही है, बड़ी वीडियो कैसे बना टेबल, कितने रुपए में बना, तो वो भी जरूर देखिएगा। आइए जल्दी से हम अपने पीसी पर चलते हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर हम अपने पीसी पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें भाई अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, वैसे तो सबके पास क्रोम ही होगा, तो यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने टाइप करना MSI ड्रैगन सेंटर, तो नीचे ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जा रहा है MSI ड्रैगन सेंटर, इसका एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लेना है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो MSI ड्रैगन सेंटर डाउनलोड लिख कर आ चुका है, सबसे ऊपर ही आ चुका है MSI ड्रैगन सेंटर लिखोगे तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड नाउ का बटन देखने को मिल जा रहा है डायरेक्ट यहीं पर, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ है इसमें आपको, बट अभी यहाँ से आपको हम जो आपका मिस्टिक लाइट है वो सॉफ्टवेयर उसके लिए बताएंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं भाई, बट आपको स्पेशली अभी सिंकनाइज करना सिखा रहे हैं। तो हमने भाई क्लिक कर दिया है और ये आप देख रहे हो ड्रैगन सेंटर, ये भाई जिप फोल्डर में डाउनलोड होता है, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो लगभग 539 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाला नेट है, वाईफाई काफ़ी तेज़ है, तो अभी आपसे बातें करते करते ही लगभग 1 मिनट के अंदर ही डाउनलोड कर देगा। बट अगर आपके पास जो नेट है वो स्लो है तो नियर अबाउट आपको लगभग 20 मिनट से आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें। तो देखते देखते भाई लगभग 250 MB से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो अभी जैसा कि अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं, रैम जो है वो अपनी मर्जी से है, CPU कूलर वो अपनी मर्जी, सब कुछ अपनी मर्जी से, सब अपना मर्जी से काम कर रहे हैं, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा। फैंस हैं अपनी मर्जी से जल रहे हैं, डिफॉल्ट अपनी सेटिंग्स पर, अपनी सब डिफॉल्ट सेटिंग्स पर हैं अभी, बट इनको हम अपनी मर्जी के अनुसार अभी जो कलर देना चाहें, जैसे कि हमने बैकग्राउंड में अभी अपने ब्लूइश कलर किया हुआ था, जो कि हमारी जो RGB लाइटिंग थी सस्ती वाली 250 रुपये वाली, तो वो यूज़ किया हुआ था हमने। तो अभी इनको भी हम कैसे यूज़ करना है वो आपको बताने वाले हैं। तो लगभग 2-3 सेकंड और ये हो चुका है डाउनलोड। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं हमारे फोल्डर में, तो ये हमारा ड्रैगन सेंटर डाउनलोड हो चुका है, इसको हम कर लेते हैं भाई एक्सट्रैक्ट टू ड्रैगन सेंटर। तो ये देखिए ये फोल्डर डाउनलोड जो था, इस पर क्लिक कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और ये एप्लीकेशन आ चुकी है। अब इसको आपने इंस्टॉल करना है, तो इस पर जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आप इंस्टॉल कर दीजिए, परमिशन वगैरह जो भी मांगता देनी पड़ेगी, नॉर्मल है बिल्कुल, ये आप देख रहे हो इंस्टॉल कर दे रहे हैं हम, जस्ट इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भाई थोड़ा सा टाइम लगा और ये इंस्टॉल हो चुका है,
अब आपको सर्च करना होगा ड्रैगन सेंटर यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्रैगन सेंटर ऐप आपको देखने को मिल जा रहा है, इसे ओपन कर लीजिए। तो ये आप देख रहे हो MSI का ड्रैगन सेंटर है, तो इसकी हमने सेटिंग्स की हुई है, तो इससे हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग्स कुछ क्लियर कर रखी हैं, तो इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर ले रहे हैं। बाकी आपके PC के ऊपर है, डायरेक्ट भी खुल जाता है। तो कुछ इसकी पॉलिसीज वगैरह हैं, तो यहाँ पर आपको सब कुछ करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके सब कुछ करके मतलब सब कुछ पढ़ने पढ़ने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सब फिर पढ़ना है आपको सारा कुछ, इस पर लिख देना है आई हैव रेड एंड एग्री टू द MSI टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ओके। अब आप देख रहे हो ये ड्रैगन छोटा सा आपको देखने को MSI की तरफ से, बड़ा ही क्यूट सा है, चारिज़ार्ड जो पोकेमोन में आता था उस तरह का कुछ है भाई। उसका मतलब एक चार्मेंडर था, चार्मेलियन, उसके बाद चारिज़ार्ड, वो वाला दिख रहा है थोड़ा सा, बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा ड्रैगन। तो असल में इसका नाम ही भाई ड्रैगन सेंटर है। तो लगभग जो MSI का सारी सेटिंग्स हैं वो इसी में आपको देखने को मिलती हैं। ये भी थोड़ी लोडिंग लेगा आपकी। तो भाई फाइनली मतलब कि तीन से चार मिनट लगे, और ये आप देख सकते हो कि ये वाला पेज हमारे पास आ चुका है। कुछ चीज़ें मांग रहा है, रजिस्टर योर MSI प्रोडक्ट नाउ टू एंजॉय अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स, काफ़ी कुछ है। तो आप अपने MSI प्रोडक्ट को अगर रजिस्टर कर चुके हो तो आपने ईमेल वगैरह सब किया होगा, तो यहाँ पर आप भर सकते हो। बाकी मर्जी है, अभी आपको ये भरना है कि नहीं भरना वो आपकी मर्जी है, अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है। आप चाहें तो साइन इन विद गूगल फेसबुक भी कर सकते हो, ज्वाइन MSI मेंबर भी कर सकते हो, बट अगर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है तो जस्ट यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। स्किप कर दिया, अब आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, गेमिंग मोड, यूजर सिनेरियो, मॉनिटर, गेम हाईलाइट, ट्रू कलर, लैन मैनेजर और मिस्टिक लाइट। तो ये जो MSI है इसका मिस्टिक लाइट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ कंट्रोल करने जा रहे हैं। ये जो इसका मदरबोर्ड है उसमें मिस्टिक लाइट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमने सब कुछ करना है, तो इस पर आपने क्लिक करना है मिस्टिक लाइट। तो यहाँ पर आपने कर लिया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, LED सेलेक्ट ऑल जितने भी है और भी काफ़ी कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको मिस्टिक लाइट JRGB 1 JRGB 2 आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो, जैसे अभी सिलेक्ट ऑल है, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ऑल सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हो, ये DRAM जो आपकी है, आपके फैंस, AMD SR 4 RGB, तो यहाँ पर हम सभी को कर देते हैं टोटल, ठीक है। ये आप देख रहे हो सभी को ऑल सिंक्रोनाइजेशन पर ऑन कर दिया हमने, सब कुछ अब एक साथ ही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको रेनबो कलर देखने को मिल रहा है, LED स्टाइल रेनबो, मिस्टी लाइट ऑन हुई पड़ी है। चलिए अब हम करके देखते हैं रेनबो इसमें क्या होता है। हमने रेनबो कर दिया है, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अप्लाई कर दिया है, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब आप देख रहे हो कुछ देखने को मिला आपको, शायद कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अब आपको सामने देखने को मिल रहा है, जो अभी तक अपनी मर्जी से जल रहे थे, बंद हो रहे थे, वो चीज़ अब चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा, अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है, अब ये रेनबो पैटर्न में, क्योंकि हमने सब कुछ टोटल ही एक बार में सिंक कर दिया है। और यहाँ पर भी आपको भाई देखने को मिल जा रहा है, शायद यहाँ पर भी इन्होंने चीज़ दिखा दी है कि क्या क्या सिंक हो चुका है, हमने सब कुछ ही कर दिया था एक बार में। बाकी आप अपनी मर्जी से भाई प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 भी बना सकते हो, प्रोफाइल 3, अपने हिसाब से जो करना चाहते हो, कि मतलब कि अभी आपने सिर्फ रैम को सिंक करना है, या सिर्फ आपने जो फैंस हैं उनको सिंक करना है, या सिर्फ जो RGB अलग चीज़ें हैं, तो अपनी मर्जी से जो मर्जी आप सिंक कर सकते हो। हमने तो एक बार में सबका सब कर दिया, और अब हम इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको चेंज करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कलर शिफ्ट, ये वाला ये कैसा है जिसमें कलर शिफ्ट करेगा ये। अब देखिए भाई कलर शिफ्ट करेंगे, ये देख रहे हो क्या ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अपनी मतलब एक अब बंद नहीं हो रहा है, जैसे पहले बीच में बंद हो जाता था ना, अब देखो कलर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं पर ये बंद नहीं हो रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। काफी मतलब बहुत से इसमें भाई आप देखो, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो नीचे लेफ्ट सीक्वेंस, म्यूजिक के हिसाब से, ये जैसे म्यूजिक रहेगा उसके हिसाब से कर देंगे भाई, बहुत चीजें, मार्क्यू, ब्रीथिंग,
ब्रीथिंग सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है लोगों को, ये देखो ये वाला ब्रीथिंग एलईडीज। और आप चाहे तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा कलर आपने रखना है। तो ये देखो भाई एलईडीज काफी बढ़िया है, और इनकी आप चाहें तो स्पीड टाइम सब कुछ भाई बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। अभी तो इसमें बहुत कुछ है, यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कौन सा कलर है कैसे, तो अपने हिसाब से जो अभी रेड कलर हुआ पड़ा है यहाँ पर देख रहे हो ब्रीथिंग एलईडी में रेड कलर है, चाहो मैं ग्रीन करता हूँ, ये देखो अभी इसको कर देता हूँ ग्रीन, ये देखो अब इसको करना पड़ेगा अप्लाई, देखो ग्रीन हो गया। अब आपसे ब्रीथिंग एलईडीज रहेंगी ग्रीन में। अब चाहे तो आप, जैसे मैंने ब्लू कलर आपको बताया था कि अब मैं को ब्लू ही करना सारा, यहाँ पर भी आपको सब कुछ होते हुए दिख जा रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मैंने ये देखो ब्लू पर किया, ब्लू पर करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ मैं, अभी आप देखेंगे तो ये सब कुछ ब्लू हो जाएगा, ब्रीथिंग एलईडीज रहेंगी बट ब्लू में, ये देखिए अभी ब्लू हो चुकी हैं। चाहे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भाई बहुत ही ज्यादा कुछ है, सीपीयू टेम्परेचर के हिसाब से स्टडी रह सकते हो, मार्क्यो म्यूजिक सीक्वेंस मतलब बहुत ही तरह का है, कलर शिफ्ट, कलर शिफ्ट में तो आपने देख ही लिया है, उसके अलावा और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं, मिस्टी लाइट विल ओवर राइड, थर्ड पार्टी आरजीबी सॉफ्टवेयर आफ्टर सिस्टम स्टार्ट, बहुत सी चीजें हैं भाई इसमें आपके पास, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ है। अभी भी इसमें बहुत कुछ है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, बट अभी के लिए जो आप मतलब कलर अपने हिसाब से चेंज करने चाहते हो तो वो चीज मैंने आपको बता दी है। लेफ्ट अभी आप देख रहे हो, ये देखो ये इसका एक और मोड है जिसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइम पर एक जलती है साथ में कलर चेंज होता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से, मुझे भी काफी अच्छे लग रहे हैं सब देखने में सीक्वेंस वाइज। म्यूजिक मतलब जब बोलेंगे तब कि म्यूजिक चलाना पड़ेगा भाई इसके लिए, अब ब्लू कर दिया हमने, अरे भाई म्यूजिक चलाओ ऐसे नहीं होने वाला है। इसके हिसाब से आप जितना चाहो डार्क जितना चाहो लाइट उतना भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मार्की में कौन सा इफेक्ट है आपकी जो आरजीबी रैम है देख रहे हो पूरी, मतलब वो भी आपके हिसाब से आप कलर आती है, जो कलर आप करते हो उस हिसाब से कलर, क्योंकि सारा कुछ सिंक हो चुका है एक बार में ही। स्टडी चलो तो भाई लगातार जैसे कि अब मैंने कहा कि आपको यही चाहिए सेम, तो ये स्टडी में जाकर आ जा रहा है। ये काफी लोग कहते हैं कि भाई अभी मैं हमें जैसे पूरा ही ब्लू सेटअप रखना है तो ये अलग रख सकते हो, चाहो तो यहाँ से आप अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकते हो कि थोड़ा सा डार्क रखना है या लाइट रखना है। तो जैसे कि हमें थोड़ा सा लाइट रखना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, इसके बाद अप्लाई कर दिया। तो ये कंप्लीट वीडियो है, लगभग जितनी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये है भाई पूरी वीडियो, कैसी लगी वीडियो भाई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिसको भी ये चीज़ नहीं पता हो, जितने भी नए लोग होते हैं उन सबको भाई ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो ये चीज़ जानना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।